सागर शहर में अनलॉक होने के बाद भी सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए जनसेवक मनीष सिंह गुरौन ने सभी से अपील की है। सागर जिले के उपनगरीय मकरोनिया निवासी मनीष सिंह गुरौन जनसेवक ने प्रशासन को किया धन्यवाद। साथ ही मध्य प्रदेश के साथ साथ सागर जिला अनलॉक किया गया है, लेकिन हम और आप अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक नहीं दिखाई दे रहे। हमें जागरूक होना होगा, क्योंकि अनलॉक तो जरूर किया गया है, पर कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें और आपको सावधान रहना होगा, जिसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क दोनों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। दो गज की दूरी और मास्क है बेहद जरूरी। जनसेवक मनीष सिंह गुरौन। हुए जो लेफ्ट राइट सिस्टम था वो भी खत्म कर दिया है। लोग दुकानें खुली मिल रही हैं, लोग दुकानों पर जा रहे हैं। किस प्रकार की सुविधा सावधानी रखनी चाहिए उनको, क्या नहीं रख रहा है वो, आप उनको क्या सलाह देंगे? देखिए, सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और साथ ही साथ प्रदेश के हर मुख्यमंत्री को बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि लॉकडाउन अब खुल चुका है, हम अनलॉक हो चुके हैं और ये दूसरी लहर की मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि तीसरी लहर ना आ पाए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वैक्सीन अवश्य लगवाइए। हर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अपनी जनता से अपील कर रहे हैं, बस मैं उन्हीं के लक्ष्य कदम पे आगे अपील करता हूँ कि वैक्सीन अवश्य लगाइए। और रही सागर जिले मध्य प्रदेश की बात, लॉकडाउन खुल चुका है कि हालांकि हमारा लॉकडाउन मध्य प्रदेश में एक हफ्ते बाद खुला था, क्योंकि हमारा पॉजिटिविटी रेट जो है 5% से ज्यादा था। उसको प्रशासन ने, माननीय कलेक्टर साहब ने, माननीय SP साहब ने बहुत नियंत्रण किया है, लेकिन जनता अभी भी जागरूक नहीं है। मैं सागर की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि हमने अपनों को बहुत खोया है। आपके लिए बाजार अकेला नहीं खुला है, COVID-19 कोरोना वायरस के लिए भी खुला है। वायरस भी आपका मार्केट में इंतजार कर रहा है। हालांकि अब लेफ्ट राइट की सुविधा सागर में खत्म हो गई है, ठीक है, लेकिन आज भी आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, दुकान के आगे गोले नहीं बने हैं, और उसके बाद भी जो है आप लोग बिना मास्क के यहाँ वहां घूम रहे हैं अनिवार्य कामों से। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रशासन भी क्या करेगा जब तक आप सतर्क नहीं रहेंगे। अपील ही कर सकते हैं, चाहे प्रशासन हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई आम नागरिक हो, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अति आवश्यक काम से बाहर निकलिए, लेकिन प्लीज कोविड गाइडलाइन का पालन कीजिए, ताकि हम इस तीसरी लहर को हिंदुस्तान में बढ़ने से रोक दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24।